स्पाइस मनी अधिकारी या पार्टनर ने अपनी स्पाइस मनी आईडी से 180 दिनों में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है तो उसकी आईडी इस वजह से ब्लॉक्ड या डीएक्टिवेट हो जाएगी। इस ब्लॉक डीएक्टिवेट आईडी को फिर से एक्टिवेट कर अपना स्पाइस मनी बिजनेस फिर से स्टार्ट करने के लिए रीकेवाईसी करना अनिवार्य है। आइए जानते हैं रीकेवाईसी कैसे किया जाता है। सबसे जरूरी बात, रीकेवाईसी आप केवल स्पाइस मनी अधिकारी ऐप से ही कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अपडेटेड स्पाइस मनी अधिकारी ऐप डाउनलोड करें, अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें। इसके बाद आपको पासवर्ड रीसेट करने का एक पॉपअप स्क्रीन पर आएगा। पासवर्ड रीसेट करने के लिए रीसेट पासवर्ड पर टैप करें, अपनी यूजर आईडी एंटर करके प्रोसीड पर टैप करें। आपके स्पाइस मनी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे एंटर करें, न्यू पासवर्ड एंटर करें। ध्यान दें, पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक लेटर बड़ा हो, एक लेटर छोटा हो, एक डिजिट हो और साथ ही एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना अनिवार्य है। जो न्यू पासवर्ड एंटर किया है उसे दोबारा से कंफर्म करें, प्रोसीड पर टैप करें। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। यदि आपको पासवर्ड रीसेट करने में कोई इशू आता है तो आप स्पाइस मनी ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके पर टैप करें और दोबारा से अपना यूजर आईडी और न्यू पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करें। रीकेवाईसी करने के लिए स्टार्ट रीकेवाईसी पर टैप करें और रीकेवाईसी फॉर्म फिल करें। ध्यान रहे, डिटेल्स अपलोड करते वक्त आपको वही डिटेल्स अपलोड और फिल करनी है जो आपने स्पाइस मनी अधिकारी आईडी क्रिएट करते वक्त करी थी। सबसे पहले अपना पैन कार्ड अपलोड करें, जिसके लिए स्कैन पर टैप करें और अपने पैन कार्ड को स्कैन करें। आप OCR के द्वारा अपने पैन कार्ड फोटो स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपके पैन कार्ड की सारी डिटेल्स ऑटो फेच हो जाएंगी और शो होने लगेंगी, जैसे कि उस पर लिखा नाम, फादर का नाम, पैन कार्ड नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। OCR के द्वारा ऑटो फेच होने पर 99% डिटेल्स करेक्ट होती हैं, लेकिन आप डिटेल्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करें और यदि जरूरत है तो एडिट करें। आप फोन के कैमरे से पैन कार्ड की फोटो मैन्युअली कैप्चर करके उसे अपलोड कर सकते हैं। मैन्युअली अपलोड करने पर डिटेल्स ऑटो फेच नहीं होंगी, डिटेल्स आपको खुद ही एंटर करनी होंगी। आप मोबाइल की गैलरी से पैन कार्ड फोटो का अपलोड नहीं कर सकते हैं। कंफर्म पर टैप करें। पैन कार्ड सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब आपको अपने एड्रेस प्रूफ डिटेल्स अपलोड करने की जरूरत है। एड्रेस प्रूफ डिटेल्स अपलोड करने के लिए स्कैन पर टैप करें। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड की डिटेल्स अपलोड करना रिकमेंडेड है। प्रोसीड पर टैप करें। आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड की फोटो अपलोड करें। आधार कार्ड की फोटो स्कैन करते ही उसमें जो डिटेल्स अवेलेबल है वे OCR के द्वारा ऑटो फेच हो जाएंगे और नीचे दिखाई देने लगेंगी, जैसे कि आधार कार्ड के नंबर की लास्ट की 4 डिजिट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस व पिन कोड। OCR के द्वारा ऑटो फेच होने पर ज्यादातर सारी डिटेल्स सही होती है, लेकिन यदि आपको लगता है कि डिटेल्स एडिट करने की आवश्यकता है तो एडिट ऑप्शन का इस्तेमाल कर डिटेल्स एडिट करें। ध्यान रहे, यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपका बर्थ ईयर लिखा है तो आपको यहाँ पर पूरी जन्म तिथि डालनी होगी। आप फोन के कैमरे से आधार कार्ड की फोटो मैन्युअली कैप्चर करके उसे अपलोड कर सकते हैं। मैन्युअली अपलोड करने पर डिटेल्स ऑटो फेच नहीं होंगी, डिटेल्स आपको खुद ही एंटर करनी होंगी। आप मोबाइल की गैलरी से आधार कार्ड फोटो के अपलोड नहीं कर सकते हैं। सबमिट डॉक्यूमेंट पर टैप करें। एड्रेस प्रूफ डिटेल्स सक्सेसफुली अपलोड हो गई हैं। अब अपनी लाइव सेल्फी अपलोड करें, जिसके लिए क्लिक पर टैप करें। फोन का कैमरा अपनी आंखों के लेवल पर रखें, अपना फेस सर्कल में रखें। सेल्फी लेते वक्त लाइटिंग प्रॉपर हो और अपनी आंखें झपकाएं। प्रोसीड पर टैप करें, अपनी लाइव सेल्फी लें और उसे अपलोड करें। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, जिसमें आप अपने वर्क प्लेस डिटेल्स ऐड करेंगे। वर्क प्लेस डिटेल्स ऐड करने के लिए फिल ऑप्शन पर टैप करें, अपनी दुकान का नाम एंटर करें, दुकान के खुलने और बंद होने का समय सेलेक्ट करें, शॉप वर्किंग डेज सेलेक्ट करें, आपकी दुकान किस एरिया में है उसका पिन कोड एंटर करें। पिन कोड एंटर करते ही डिस्ट्रिक्ट ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत डालें और अपनी दुकान का एड्रेस डालें। यदि आपके पास दुकान का एड्रेस प्रूफ है तो उसे अपलोड कर कंफर्म करें, अन्यथा डिक्लेरेशन में अपने डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करें। उदाहरण के लिए हमने डिक्लेरेशन दिया है, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। अपलोड पर टैप करें। दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और एक्सेप्ट एंड साइन डिजिटली पर टैप करें। अब अपने सिग्नेचर करें और कंफर्म पर टैप करें। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें और कंफर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें। वर्क प्लेस डिटेल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब आपको अपने वर्क प्लेस की फ्रंट की फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी। ध्यान रहे, फोटो फ्रेम में आप यानी अधिकारी या पार्टनर जो कि रीकेवाईसी कर रहे हैं मौजूद हो। अब आपको अपनी वर्क प्लेस के अंदर की फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी। ध्यान रहे, फोटो फ्रेम में आप यानी कि अधिकारी या पार्टनर जो कि अपना रीकेवाईसी कर रहा है वह मौजूद हो। अब अधिकारी पार्टनर को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। रिकॉर्ड पर टैप करें। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको KYC के लिए अपनी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी। उसमें आपको स्क्रीन पर जो स्टेटमेंट दिख रहा है वह पढ़कर बोलना होगा और वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी। ध्यान रहे, वीडियो आपको गैलरी से अपलोड नहीं करनी है। स्क्रीन पर यह स्टेटमेंट दिखेगा, मेरा नाम,
है, मेरा मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ का रहने वाला या वाली हूँ, मेरी दुकान का नाम है, मैं स्पाइस मनी में स्पाइस मनी अधिकारी बनकर काम करना चाहता या चाहती हूँ, मैं अपनी लेन देन की सारी जानकारी को रजिस्टर में लिख कर रखूंगा या रखूंगी, मैं अपना ID, पासवर्ड और OTP किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा या करूंगी, अगर मैं शेयर करता या करती हूँ तो मैं मेरी ID के माध्यम से किए गए लेन देन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। अपलोड वीडियो पर टैप करें, सबमिट पर टैप करें, डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो गई हैं। आप अपनी DKYC का स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं कि वह पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट हो गई है। यदि रिजेक्ट हो गई है तो उसका रीजन भी शो होगा, यदि अप्रूव हो गई है तो वह भी आपको स्क्रीन पर शो होगा। DKYC अप्रूव होने के बाद आप अपनी यूजर ID और पासवर्ड से लॉग इन करें। यदि आपने अपनी DKYC कम्प्लीट नहीं की है तो यह पॉपअप स्क्रीन पर आएगा। स्टार्ट EKYC पर टैप करें। EKYC पूरा करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें फॉलो करके EKYC प्रोसेस पूरा करें, या फिर दिखाए गए वीडियो लिंक को अपने ब्राउजर में टाइप करें और वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस देखें और EKYC पूरा करें। इसके बाद आप स्पाइस मनी की सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।